तो लो जी, लेके आ गए हैं आप सबके लिए एक और गर्मा गर्म वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे इसके आखिर क्यों महिंद्रा को 5 डोर वर्जन भी लॉन्च करना पड़ गया अपनी महिंद्रा थार का। वही इंजन विंजन की तो बात हम बाद में करेंगे वीडियो को, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मज़ा एक नंबर का आएगा आपको इस वीडियो में। तो बात करते हैं आखिर क्यों महिंद्रा थार 5 डोर में आएगी। तो बेसिकली रीज़न यही है इस गाड़ी का, क्योंकि रियर में कंफर्ट नहीं है 2 डोर थार में। तो यही रीज़न है महिंद्रा थार का 5 डोर में आने का। क्योंकि अब एक बात देखो आप, जो 2 डोर थार है उस पर पहले ही 1-1.5 साल की वेटिंग चल रही है। तो भाई महिंद्रा क्यों चाहेगा एक और गाड़ी उतारे और उस पर वेटिंग चले। तो रीज़न बता दिया है कंफर्ट। भाई जैसे आप देखते हो 2 डोर में रियर में कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगला बंदा बैठा है और पिछले 2 बंदे बैठे हैं तो वे बहुत पीछे पीछे बैठे हैं, मतलब लॉन्ग ट्रिप में आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते महिंद्रा थार 2 डोर में। और वो बात रही अलग, भाई अगला बंदा बैठा कोई और आपसे चल रहा हो नाराज, और आप बैठे हो पीछे, आपको कुछ इमरजेंसी आई हो और अगले वाला बोल दे भाई मैं तो करता नहीं अगली से आगे को अपनी सीट, मैं तो उतरन देता नहीं तुझे। तो भाई यही रीज़न है। तो चलो ये तो बात होगी आखिर क्यों आएगी महिंद्रा थार 5 डोर। तो बेसिकली अब बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। नो डाउट लुक्स आपको फ्रंट से सेम बिल्कुल 2 डोर की तरह ही मिलेगी आपको। तो भाई जैसे बड़ी गाड़ी बनाई गई है ना, बस नाम नाम की बड़ी गाड़ी नहीं बनाई गई है। या आप जैसे चला रहे हो क्रेटा और आपको 7 सीटर चाहिए, तो होंडा वालों ने बना दी क्रेटा का एल्गाज़ार, वो वाला सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलेगा देखने। प्रॉपर गाड़ी बनाई जाएगी एक फैमिली गाड़ी है। इसका व्हील बेस बड़ा किया जाएगा, लगभग आपको स्कॉर्पियो जितना व्हील बेस मिलेगा, मैं नंबर दिखा दूंगा कितने mm का होगा। और विड्थ गाड़ी की इतनी होगी, लगभग 2 डोर जितनी होगी, पर थोड़ा तो स्पेस इंक्रीज किया ही जाएगा उसमें। हाइट इसकी आगे से सेम होगी, पीछे से थोड़ी बढ़ाई जाएगी, जैसे आपने सफारी में देखा है ना, जैसे आगे से चलती जाती है और ऊपर से थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, इस तरह का देखने को मिलेगा। आप इसकी लीक्स देखो, जैसे इसमें दिख रहा है ना आपको, सेम ऐसे ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट लुक आपको डिट्टो बिल्कुल 2 डोर जैसी ही देखने को मिलेगी। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज किए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट भी तो दिखनी चाहिए, जैसे DRL वगैरह नहीं लगा दी जाएगी, तो इस वजह से सेम डिट्टो फ्रंट लुक सेम ऐसा ही होगा। बात कर लेते हैं रियर व्हील रियर की। तो रियर में आपको स्पेयर व्हील जहाँ मिलता है वहीं मिलेगा, लाइट्स भी आपको ही देखने को मिलेगी गाड़ी में जो फिलहाल आती है। तो हाँ, हाल फिलहाल इसमें आपको 18 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं, शायद महिंद्रा वाले इसमें 1 इंच और अपग्रेड करके आपको 19 इंच व्हील देखने को मिल जाएगा इसमें। और इसमें कॉस्मेटिक चेंज किए जाएंगे, जैसे आप इसे अब फोल्डेबल मिरर नहीं आते, शायद आपको फोल्डेबल भी मिल जाएगा इस बार ORVM। तो बात कर लेते हैं अब जैसे इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर आपको सेम जैसा देखने को मिलेगा जैसा हाल फिलहाल थार में आता है। तो भाई इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन है फिलहाल 7 इंच की आती है, आपको नई वाली में 5 डोर में 9 इंच की देखने को मिलेगी। और जो अभी फिलहाल आती है 2 डोर थार, उसमें आपको 4 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें आपको 6 या 8 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलेगा। और नो डाउट म्यूज़िक को भी इसके अपग्रेड किया जाएगा। और बात कर लेते हैं क्या फीचर्स ऐड किए जाएंगे, जैसे इसमें वायरलेस चार्जिंग ऐड की जाएगी, रियर में AC वेंट लगाए जाएंगे, मतलब बेसिकली जो 2 डोर थार से है उस पर 2-4 फीचर एक्स्ट्रा ही देखने को मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एक फैमिली पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है ना गाड़ी। रियर में आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएंगे इसमें 12 वोल्ट के। तो भाई शायद इसका आपको इंटीरियर डुअल टोन में भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, फिलहाल इसके पावर विंडो के कंट्रोल आपको सेंटर में देखने को मिलते हैं, और 5 डोर में आपको रोड इसके दरवाजों पर ही देखने को मिलेंगे, फ्रंट में आपको सेंटर में ही मिलेंगे इसके। तो भाई ये हो गई हमारी सारी डिटेल। बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। अब जहाँ इंजन आपको सेम डिट्टो देखने को मिलेगा जो हाल फिलहाल 2 डोर थार आती है, तो वही पेट्रोल इंजन है और वही डीजल इंजन।
बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल इंजन, 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो पावर प्रोड्यूस करेगा 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क। पेट्रोल इंजन 2 लीटर का 150 bhp और 320 Nm का टॉर्क। तो बेसिकली बात ये है भैया साफ साफ, अब आपको फुल मज़ा आने वाला है, रोड प्रेजेंस आपकी अलग ही देखने को मिलेगी इस गाड़ी की। और आप अब जा सस्ते में रेंगलर का मज़ा भी ले सकते हैं, फुल्ली मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं इसमें, जैसे कुछ पिक्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाएगी इसमें कि आप भाई कहाँ 60-70 लाख और कहाँ 20-25 लाख, मतलब इसमें 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के आपको 70 लाख वाली फीलिंग आएगी, इतनी गजब गाड़ी है ये। तो बस जी यही है हमारी 5-door Thar। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं लगी हो तो कृपया करके बता देना कि भैया थोड़ी अपग्रेड कर लो अपनी वीडियो को और अच्छी अच्छी बना लो। तो बस जी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ओके बाय, टाटा।